ऐसे धर्म ऐसे दर्शन सामने आए जिनके द्वारा व्यक्ति को अनुशासित करने का प्रयास किया गया, ताकि वो अंदर से उसके अंदर भावना पैदा हो और उन धर्मों ने नैतिकता के वाहक के रूप में यात्रा की और बहुत हद तक जगह जगह पर इस संबंध में नैतिक नियमों को पालन में सफलता मिली। लेकिन समाज के अंदर विचलन आया और समाज ने फैमिली की संस्था को, परिवार की संस्था को भाई भतीजावाद नाम का कलंक दिया और उसने अन्याय शुरू किया। समाज के अंदर विचलन आया, नैतिकता के विरुद्ध उसने अपराध किए, स्टेट की मशीनरी में विचलन आया और कहीं अधिनायकवाद, दादागिरी और तानाशाही डेवलप हुई। रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर विचलन आया और प्रीस्टिज्म का विकास हुआ पुरोहितवाद का, और उस पुरोहितवाद के कारण इस देश में वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। पूरी दुनिया के अंदर प्रीस्टिज्म ने अच्छे काम करने के बाद कुछ ना कुछ प्रतिशत गलत काम करना शुरू किए। विदेशों में रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन आया, विद्रोह हुए धर्मों के खिलाफ, राज्य ने विद्रोह किया, व्यक्ति ने विद्रोह किया। बुद्ध के रास्ते में पहली जो चीज थी बुद्ध की शिक्षा में, वो था डिसिप्लिन, अनुशासन, ताकि व्यक्ति चाहे वो धर्म के अंदर जाए, चाहे वो समाज के अंदर कार्य करे, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करे, उसकी भूमिका अनुशासित भूमिका रहनी चाहिए। अनुशासनहीन व्यक्ति बुद्ध का मानने वाला नहीं हो सकता। दूसरी चीज थी कंसंट्रेशन के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षा की नीति में मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए। सबसे बड़ी चीज शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था विजडम, आपका जो बौद्धिक तर्क शक्ति है वो इस हद तक होनी चाहिए कि उसके बाद आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आए। वर्तमान शिक्षा नीति जब 1813 के चार्टर एक्ट में चेंज की गई, उससे पहले शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि व्यक्ति और ईश्वर के संबंधों को रेगुलेट किया जाए, लेकिन जो बौद्ध शिक्षा पद्धति थी, तक्षशिला विद्यालय, नालंदा विद्यालय, जो पूरी दुनिया को जोड़ते थे, चाहे सेंट्रल एशिया के हो चाहे विदेश के विद्यार्थी, वहां लोग पढ़ने आते थे बुद्ध की शिक्षाओं को। और यही नहीं कि टीचर ही पढ़ाते हो, उसमें लिखा था नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पर, यहां गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ऐसा है बुद्ध का धर्म। और 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ऐसी ही शिक्षा नीति इस देश के अंदर देखने को मिली। उस शिक्षा ने ऐसा बदलाव लाया कि शिक्षा को धर्म के जबड़े से बाहर कर दिया, धर्म के पंजों से बाहर कर दिया, और यही भगवान बुद्ध का विजडम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलाता। जब उस विजडम ने अपना स्थान ग्रहण किया तो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था से प्रभावित लोग, उसमें पैदा हुए लोग जिनके पास विशेष अधिकार भी थे, उनको दुनिया में घूमने फिरने का मौका मिला, विदेशी ज्ञान की किताबें जो भगवान बुद्ध के ज्ञान के रास्ते वहां गई, तो दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना होनी चाहिए, उसमें उनका विश्वास पुनर्जीवित हुआ। और जब फ्रीडम स्ट्रगल चला तो अंग्रेजों ने जो माहौल दिया था और उसके कारण जो अशोक के अभिलेख
खोजे गए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अब ये मालूम हुआ इस देश के विद्वानों को कि अगर इस देश के अंदर गर्व करने की कोई चीज है तो वो है महामानव बुद्ध और सम्राट अशोक। जब महामानव बुद्ध का सिगालावाद सूत्र पढ़ते हैं तो आज देश के अंदर चाहे आतंकवाद के खिलाफ कानून हो, चाहे लेबर के संबंध में कानून हो, सब छोटे पड़ जाते हैं। दुनिया भर के अंदर बनाए हुए कानून और शिक्षा नीति सिगालावाद सूत्र में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि अपने नौकर को, अपने एम्प्लॉई को, अपने घर में सेवा करने वाले को सही वेतन दो, उसको वही भोजन दे जो तुम खाते हो, झूठे नहीं, जो स्वादिष्ट भोजन तुम करते हो वही खाना, उसको बीमार होने पर छुट्टी मांगने पर उसे छुट्टी दो, सवेतन अवकाश दो। दुनिया के अंदर साम्यवाद आया, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, बड़े से बड़े विद्वान आए, लेकिन सिगालावाद सूत्र का जो दर्शन है उस तक पहुंच नहीं पाए। इतना महान दर्शन, इतना महान पैमाना और आदर्श महामानव बुद्ध हर खास आम के लिए छोड़ गए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा है सर्वत्र सर्व धर्मों के लोग बसे हैं। एक सम्राट जिसके पास ताकत थी तलवार की, उसने एक ऐसा प्रियंकर बनाया जो बाद में चल के सम्राट अशोक के अभिलेखों को आदर्श मानकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में धर्मपद और सम्राट अशोक के अभिलेखों को इनकॉर्पोरेट किया। यहां तक की चिंता है अपनी सम्राट को कि माता पिता गुरुओं का सम्मान करो, ये बुद्ध के दर्शन का असर था सम्राट अशोक के ऊपर, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर डाला और हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है वही है जो सम्राट अशोक ने दंड संहिता की बात कही, जो भारतीय संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ये वही धर्म शासन है जिसे भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के, नेता के, पुरोहित के अधिकार में नहीं रहने दिया, उसे निकाल कर धर्म के अंदर, धर्म ही धर्म का दया है, धर्म ही धर्म को चलाएगा, कोई भिक्षु, कोई अधिकारी, कोई सम्राट, कोई उपासक महाउपासक धर्म को नहीं चलाएगा। धर्म शासन रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप भारतीय संविधान में पढ़ते हैं धर्म पद से लिए हैं। और भगवान बुद्ध का उपदेश के व्यक्ति तो स्वयं अपना स्वामी है, उसको बलवान करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। कितना बड़ा गर्व आपको होता है भारतीय संविधान पढ़कर। आज आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सफल हो, ये लोकतंत्र कहां से आया, रूल ऑफ मेजोरिटी कहां से आई, संघों के अंदर जब भी फैसले होते थे उनमें डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था। भारत गणतंत्र बना, गणराज्य का परिभाषा कहां से ली गई, मगध का उपदेश हुआ और इस देश का इतिहास आपको पढ़ने को मिला, वो गर्व मिला भगवान बुद्ध के उपदेश मिले और आज उन्हीं उपदेशों पर चलकर, भारतीय संविधान के आलोक पर चलकर आपको इस बात का गर्व होगा कि श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश, सभी जगह विद्रोह हुए, क्रांतियां हुई, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म के ऊपर आधारित संविधान के आलोक में इस देश के अंदर लोकतंत्र सफल हो। भगवान बुद्ध का धर्म चाहता है कि आपका सशक्तिकरण हो। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा साथी, बहुत से लोग सशक्तिकरण की परिभाषा ठीक से नहीं समझते,
एम्पावरमेंट का असर, सशक्त होने का असर आपको पूरी दुनिया के अंदर कौन सी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को बदलना होगा। हमारे बहुत से साथी जिन्होंने ठीक से भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ा, सम्राट अशोक को नहीं पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, वो ऊर्जावान है, हम उनके स्वागत करते हैं, लेकिन वो ऊर्जा कई जगह विचलित हो रही है। मैं चाहूंगा युवा साथी ध्यान दें इस वक्तव्य पर, इस वाक्य पर कि अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो। ये ऊर्जा विद्रोह करने के लिए नहीं है, ये ऊर्जा सड़क पर कानून हाथ में लेने के लिए नहीं है, ये ऊर्जा आपको अपराधी बनाने के लिए नहीं है, ये ऊर्जा ज्ञानवान समाज की स्थापना के लिए है, ये ऊर्जा भारतीय संविधान को बचाने के लिए है, ये ऊर्जा भगवान बुद्ध के उपदेशों पर दुनिया को चलाने के लिए है। अगर आप जेल जाने का काम करते हैं, सड़क पर कानून हाथ में लेते हैं, तो ये युवा ऊर्जा एक की जगह व्यस्त लोगों को जेल भिजवाती है। भगवान बुद्ध का धर्म ये नहीं कहता। पिछले दिनों आपने जो हलचल देखी, युवा साथियों को देखा, किसी ने कई प्रकार की सेनाएं बनाई, किसी ने मूंछों पर हाथ लग करके फोटो खिंचवाए, किसी ने सबका सिंह फैलाया, किसी ने कहा ग्रेट चमार, किसी ने कहा ग्रेट वाल्मीकि। अगर आपको ग्रेट कहना है तो ग्रेट के लिए बुद्ध के धर्म को, ग्रेट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जय हिंद जब कह दिया आपने, तो आपके हाथ में वो अधिकार नहीं है। कानून हाथ में लेकर मत चलो, आपको संविधान हाथ में लेकर चलो। संविधान हाथ में हमारा युवा साथी एक के पीछे एक अनुसरण करते गए और अपराधिक घटनाओं में लिप्त हो गए। 5-6 हजार परिवार प्रभावित हुए और दोपहर तक दोपहर को यह स्थिति हुई कि लोगों ने ढंग के अंदर आकर के कहीं ना कहीं या तो वे हिंसा के शिकार हुए या पीड़ित हुए या अपने हाथ में हिंसा ली। आपको नहीं मालूम कि एक मुकदमा लिखने के बाद वो बच्चा, जो बच्चे, जिस बच्चे से माँ बाप ये आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि मैंने उधार इसलिए लिया, माँ ये आशा करती है कि मैंने अपना जेवर इसलिए बेचा, उसके गांव वाले धूल मिट्टी में वो खेलता है, तो ये आशा करते हैं एक दिन ये कलेक्टर कप्तान होकर के, थानेदार होकर के हमारे गाँव का गौरव में करेगा। वो बच्चा उस अधिकार से अलग हो जाता है। उस मुकदमा लिखने के बाद, उस मुकदमा को लिखने के बाद क्या स्थिति होती है? उस मुकदमा लिखने के बाद आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। उस मुकदमा को लिखने के बाद आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता, विदेश यात्रा नहीं कर सकते। मुकदमा लिखने के बाद आपको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल सकता। मुकदमा लिखने के बाद आपको खुद अकेले पैर नहीं करनी पड़ती है। यह बुद्ध का धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म है अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो उस ऊर्जा से अपने अंदर विश्वासों को निकाल कर रखो। अगर ऊर्जा है तो अंग्रेजी सीखो, ऊर्जा है तो पढ़ाई करो, ऊर्जा है तो एलएलबी करके वकील बनो, जज बनो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ऊर्जा है रिप्रेजेंटेटिव बनो और ऐसे एमपी एमएलए बनो के समाज के प्रति लॉयल्टी दिखाई दे। बिल पढ़ने वाला एमपी एमएलए आपको नहीं चाहिए। उस ताकत का इस्तेमाल कानून के शासन को बलवान करने में करो। इस ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। एक दो लोग प्रसिद्धि पा सकते हैं, लोकप्रियता पा सकते हैं, लेकिन हमारे हजारों बच्चे जब अपराधियों की लिस्ट में आ गए, मुझे चुप होकर के इस्तीफा देना पड़ा था। SC ST Act एक ऐसा एक्ट है जिसने इस देश को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एक गौरव दिया था। अब निश्चित रूप से आप संवैधानिक तरीकों से संसद के कानून के द्वारा आपकी विजय हुई। ये विजय निश्चित रूप से
पूरे देश के लोगों का इसमें योगदान रहा, सरकार का योगदान रहा। लेकिन ऐसी कोई भी आपका दुर्घटना जो कानून में हाथ कानून को हाथ में लेने वाली वो आपको कमजोर करती है, वो 20 साल बाद आपकी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि आप अपने परिवार को, जो परिवार आप पर आंखें लगाए हुए है उस परिवार को आपको दिशा दिखाना, उसकी दशा बदलनी है, समाज को आपको सही नेतृत्व देना है। ऐसा कोई भी भटका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जब आपने जय हिंद कह दिया तो आपने नवोदय को भी मान लिया, बदलाव लाए थे ज्योतिबा फुले, किस तरह से उन्होंने सड़क पर आंदोलन नहीं किया, ज्योतिबा फुले का आंदोलन क्या सफल नहीं हुआ, सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए गंदगी झेली, उनके ऊपर टॉयलेट फेंके गए, शौच फेंकी गई, मिट्टी फेंकी गई, ढेले मारे गए, उन्होंने इसकी बदलाव किया, बदलाव लाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संघर्ष करके एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि हम कानून के सहारे, शिक्षा के सहारे, संविधान के सहारे इस देश के अंदर भगवान बुद्ध के द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उनको घबराए। आपकी जो ऊर्जा है वो प्ले बैक टू सोसाइटी में खर्च होनी चाहिए। अपील करो अपने साथियों से, जनों के लिए हम आए हैं, क्लास ऑन क्लास टू अफसर बने, पढ़े लिखे आपको लोगों ने आंखें लगा रखी, उनसे अपील करो कि वो समाज के प्रति लॉयल रहे। जहां अत्याचार हुए हैं उनको 1% दे, जहां हमारे भिक्षु अंधविश्वासों के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें 1% दीजिए, अपनी ऊर्जा का, अपने अनुभव का, अपने शिक्षा के स्तर का, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उन्हें दीजिए 1%, जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीब विद्यार्थी उन्हें दीजिए। यह है पे बैक टू सोसाइटी, वहां से ही ऊर्जा जानी चाहिए, सिर्फ नारेबाजी करना, सिर्फ फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज करना, ये बुद्ध के मिशन का काम नहीं है। हमारे बहुत से साथी अति उत्साह में अपराधी बन गए, सोशल मीडिया पर किसी ने कोई चीज डाली उसको फॉरवर्ड कर दिया, लाइक कर दिया। शिक्षा, और वो भी बुद्ध की शिक्षा, अनुशासन सिखाती है, इस अनुशासन को सीखो, अपने बाबा की इच्छा को पूरा करो, उनके लिए सहारा बनो, उनके लिए अपराधी बनकर आप बहुत नहीं बन सकते। पहले जय भीम को समझो, नवोद्धाय को समझो, बुद्ध के मिशन को समझो। ये बिना शिक्षित बने अगर संगठित होंगे, कोई सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान कर देगा, कोई पथराव का आह्वान कर देगा, ये सब आह्वान बुद्ध की शिक्षा के या बौद्ध महोत्सव के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब आप पे बैक टू सोसाइटी की बात करेंगे, आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो अपने आप बढ़ती है। पूरी दुनिया के अंदर भूटान का नाम हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 या 2 पर रहता है कई कई साल तक। क्या वजह है उसकी? वो इंडेक्स भगवान बुद्ध के धर्म पर चलने के कारण है, डिसिप्लिन के कारण है, विजडम के कारण है, पथराव करने के कारण नहीं, वो भूटान बंद करने के कारण नहीं है, उसके पीछे भगवान बुद्ध की शिक्षा है। जब आप पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को मानेंगे, हमारे विद्यार्थी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भिक्षु सभी लोग इस बात पर ध्यान दें, जब भी आप कुछ देते हैं, जो दान का कंसेप्ट है, वो चाहे ज्ञान का दान हो, चाहे वो अपने अनुभव का दान ज्ञान हो, या किसी भी धन का दान हो, उससे आपके बॉडी में, आपके हैप्पीनेस में कई बदलाव होते हैं। पहली बात, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्रेन होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। दूसरा अंतर आता है, एंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ते हैं जो खुशियों के लिए, खुश करने के लिए, जो विपश्यना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा बुद्ध का धर्म सिखाता है, वो एंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ते हैं दान के द्वारा। तीसरा, कॉर्टिसोल हार्मोन
क्या होता है जिसके द्वारा तनाव होता है, वो तनाव वाला हार्मोन कम होगा। इतना बड़ा बुद्ध का रास्ता, इतना आसान और इतना ज्यादा निश्चित कि जिसमें आपका कल्याण होना ही होना है, तो उस रास्ते को छोड़ करके ऐसा छोटा रास्ता जो विचलन का रास्ता है, किसी की बुराई का रास्ता है, किसी की आलोचना का रास्ता है, हिंसा का रास्ता है, ये रास्ते आपको कभी कल्याण की तरफ नहीं ले जाते। कल्याण की तरफ आपको शांति का रास्ता ले जाएगा, अहिंसा का रास्ता ले जाएगा। हमसे ज्यादा शांति में विश्वास करने वाला कौन होना चाहिए और कौन होगा? हम बुद्ध के मानने वाले। हमसे ज्यादा कानून मानने वाला कौन होगा? हम भारतीय संविधान के डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले। हमसे ज्यादा शिक्षा के द्वारा बदलाव लाने वाला कौन होना चाहिए? कोई नहीं। हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। पढ़े लिखे लोगों, हमारे पास को, हमें इस देश को ऐसा देश बनाना है। अभी तक लोगों में गलत फहमी थी कि इसको नेशन ऑफ प्रीचर्स बना दिया जाए। हमें नेशन ऑफ प्रीचर्स नहीं चाहिए। बुद्ध के उपदेश इसको नेशन ऑफ टीचर्स बनाना चाहते हैं, नेशन ऑफ क्लाइंट फॉलोअर्स नहीं। अंत भक्तों की फौज नहीं चाहिए हमें, नेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मरते दम तक पढ़ो, हर आदमी स्टूडेंट बनो, हर आदमी। अगर आप कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, कोई किताब, कोई डिग्री, कोई कक्षा, कुछ ना कुछ करिए, पढ़िए, न्यूज कॉन्शियस रहिए, तभी आप चुनौतियों से लड़ पाएंगे। हमें इस देश को नेशन ऑफ साइंस बनाना है, नेशन ऑफ सुपर बनाना, नेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं बनाना, हमको नेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी बनाना है। हमें इस देश को आगे ले जाकर के विज्ञान के रास्ते पर ला करके साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा करके, जो भी अंधविश्वासों पर चल करके हमारे लोग चल रहे हैं, ऊर्जा का वहां लगाना। छोटी लोकप्रियता सोशल मीडिया के ऊपर आधारित लोकप्रियता हमारे देश को, हमारे सरकारों को, हमारे समाज को कई जगह भ्रमित करती है। उस ढंग से किसी को फायदा होना हो, पूरे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत से लोग पढ़ लिख करके, जिन लोगों ने अपनी बौद्धिक शक्ति को गुण व्यवस्था से जोड़ रखा है, वो बहुत चालाक है, वो किस काम में लगे हुए। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर अध्ययन हुआ कि वो पढ़ने लिखने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के बाद भारत जैसे देश के अंदर आए और उन्होंने ये प्रयास किया कि अपने ऐसे इतिहास को जो इतिहास नहीं था उनको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया, और शिक्षा को और विज्ञान को हाईजैक करके जो चीजें तथ्यों के रूप में नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी, उन चीजों को प्रस्तुत करना शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलनी शुरू कर दी, उन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा बदलनी शुरू कर दी। वो चाहते रहे कि वर्ण व्यवस्था दोबारा पुनर्स्थापित हो, लेकिन बुद्ध का धर्म यही पुस्तकों पर आधारित है। आओ और देखो, ये समतामूलक समाज बनाना चाहता है। जो वर्ण व्यवस्था अफवाहों के ऊपर चलती है, जो वर्ण व्यवस्था जातिवाद अज्ञात पर चलती है, जो वर्ण व्यवस्था लिंग भेद पर चलती है, वो निश्चित रूप से उसके स्थान पर समतामूलक समाज बनाना काफी मुश्किल काम है और बनेगा। लेकिन बनेगा तभी जब हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थी, हमारी पढ़े लिखी माताएं बहने ये प्रयास करें, ये प्रयास करें कि हम एजेंट ऑफ चेंज हैं, हम बदलाव के दूत हैं, हम बुद्ध के दूत हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान पर चलकर, हम संविधान के विद्यार्थी हैं, हम इस देश को, इस समाज को गौरवान्वित करेंगे। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं इन बातों के साथ कि हम अपने युवा साथियों की शक्ति को अच्छी दिशा दें, और युवा साथियों से, माता और बहनों से अपील है कि वो कानून के शासन में मदद करें, बुद्ध के शासन में मदद करें, अंधविश्वास मुक्त देश बने,
दंगा मुक्त देश बने, असमानता मुक्त देश बने, सांप्रदायिकता मुक्त देश बने, इससे ज्यादा सुंदर बेहतर भारत का आदर्श, उसका संकल्प क्या हो सकता है? मानवता के लिए इससे ज्यादा संकल्प क्या हो सकता है? मैं एक बार फिर महसूस करता हूं।